समाअत फरमा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने ऐलान सुना इस सिलसिले की, कल यहां आखिरी तकरीर होगी। मुमकिन है आप में से कुछ अफराद, कुछ अहबाब, कुछ बाफिक्र हजारात ये सोचते होंगे कि आवाज़ मुहर्रम के बाद ये दस दस दिन की तकरीरें एक एक जगह मुसलसल कैसे होती हैं, लोग कैसे जाते हैं, इन तकरीरों का हासिल क्या होता है, और इस तरह से आखिर इस तरह से वक्त के सर्फ करने का जवाज क्या है।
मुमकिन है किसी के दिल में यह खलिश हो, तो आज तमहीद में इतना अर्ज कर दूं कि सबसे पहले इंसान के लिए जब ये तय पा चुका कि एक दिन जाना है, तो फिर आने और जाने के दरमियान कुछ अरसा हयात है। आने और जाने के दरमियान कुछ अरसा हयात है, कुछ वक्त है। अब उस वक्त को बहर सूरत सर्फ होना है, उस वक्त को बहर सूरत सर्फ होना है, या सोकर या बेदार रह के, या ऐश व इशरत में, या अपने ख्वाहिशात नफ्स की तकमील में, या फिक्र करते हुए, या सोचते हुए। बहरहाल सर्फ होना तो है, यानी अगर आफ्ताब तुलू हो रहा है तो उसको गुरूब होना है, और अगर गुरूब होना है तो फिर तुलू होना है। वक्त तो बहरहाल सर्फ होना है। अब ये अपनी अपनी फिक्र है कि कौन किस तरह वक्त सर्फ करे। अब अपनी अपनी फिक्र है कि कौन किस तरह वक्त सर्फ करे। बाजारों में भी वक्त सर्फ हो सकता है, तमाशे में भी वक्त सर्फ हो सकता है, किसी जगह रुक कर खड़े हो जाएं तो भी वक्त सर्फ हो सकता है, बातें करते बैठ जाएं तो भी वक्त सर्फ हो सकता है। मगर बात यह है कि मजबूरी से या पुरानी रस्म से या हमीयत माजी से या नस्लन बादा नस्लिन की तरबियत से इस्लाम का किलादा जो गले में पड़ा हुआ है, अब अगर कोई उस इस्लाम के मुतालिक गौर व फिक्र में अपना वक्त सर्फ कर दे तो किसी को क्यों एतराज हो, इसलिए कि इससे बेहतर तो कोई और सर्फ हमारे समझ में नहीं आता कि हम जिसके लिए मजबूर हैं, जिसके लिए मामूर हैं, जिसके लिए हम मुलाजिम हैं कि हम कलमा पढ़ें, हम दुरूद पढ़ें, हम इबादात की मंजिल पर आए, तो कदम कदम पर हमको काम पड़ता है इस्लाम से। इस्लाम से बाहर होने का तो कोई सवाल नहीं है। तो अब इस्लाम ही पर अगर फिक्र की जाए, मुमकिन है फिक्र अधूरी हो, मुमकिन है फिक्र में कोई आपको ज्यादा इफादियत नजर न आए, मुमकिन है फिक्र आपके दिमाग के लिए ज्यादा गिजा फराहम न करे, फिर भी क्या बुरा है कि किसी मकाम पर बैठकर किसी को आदमी बोलता हुआ सुने और खुद अपनी फिक्र को आगे बढ़ाए। आपको कौन रोक रहा है? आप सोचें, आप गौर करें, आप अपनी फिक्र को आगे बढ़ाएं। आप ये देखें कि मैं बोल रहा हूं तो आप सोचने लगें कि भाई यूं होना चाहिए, यूं आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से सोचना चाहिए। अच्छे लोग इसी तरह से सोचते हैं, यानी आपको मजबूर नहीं किया जाता है कि लाजमी तौर पर आप इसी तरह से गौर करें जिस तरह से कि हम गौर कर रहे हैं। नहीं, कोई नई राह आप निकालें, कोई नई फिक्र आप पेश करें, अपने लिए कोई नया उन्वान आप कायम करें, बेहतरीन चीज है। तो मैंने ये सोचा कि अगर दुनिया इस एतबार से गौर करे कि ये होता क्या है, दस दस दिन एक एक जगह जाके इस तरह से जमा होते हैं, तो इस दुनिया को ये मालूम हो जाना चाहिए
कि ये तो एक अच्छा अमल है ना, अच्छा अमल है, इस तरह से जमा हो जाना एक अच्छा अमल है, इबादत है कि नहीं ये आखिरत का सवाब बतलाएगा, ये आखिरत का सवाब बतलाएगा कि इबादत है कि नहीं। इस वक्त ये बतलाइए कि लहवो लाइब में गुजारना अच्छा है या यहां बैठ के कुछ सोचना अच्छा है। इस वक्त बतलाइए किसी दोस्त से बातें करते हुए वक्त गुजार देना अच्छा है, किसी की गीबत कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी झगड़े में मुब्तला हो रहे हैं, किसी जाके परेशान हो रहे हैं किसी जगह, वो अच्छा है या एक फिक्र को लिए हुए सोचना अच्छा है। तो अब आप अंदाजा करें मजलिस का सवाब क्या है। अजीजान ग्रामी, ये गुफ्तगू बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जहां आपको मालूम हो सके कि खुद मजलिस का मौकफ क्या है, मजलिस का मौकफ क्या है, जिसको नाम दिया जाता है मजलिस अज़ा का। तो आपने तो देखा ना मजलिसों में शरीक होके, अब तो कुछ तबीयत पे बार नहीं होगी मजलिस, अब तो तबीयत पे गरा नहीं गुजरेगी मजलिस। वो जो एक ख्याल था कि मालूम नहीं मजलिसों में क्या होता है, मैं फिर वाजह कर देना चाहता हूं, इन मजलिसों में एक फिक्र सरीह को, एक फिक्र वाजह को पेश किया जाता है। यहां किसी की बुराई नहीं की जाती, यहां किसी को बुरा नहीं कहा जाता, यहां हमको अपने आप से फुर्सत नहीं है तो दूसरों तक पहुंचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अब हम हैं और अपनी राह को आजमाए चले जा रहे हैं कि जिनका दामन थामा है वो मुनासिब है कि नहीं है, तो दूसरों की फिक्र से हमको क्या काम है। इसलिए घबराने की मजलिस से कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान को तो मानूस होना चाहिए। दरवाजे खुले हुए हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई ये लिख कर नहीं बाहर लगाया गया है कि किसी खास फिरके के लिए है, नहीं, सबको के लिए दावत आम है, सब गौर व फिक्र करें। और कोई अच्छी फिक्र कोई देता है तो हम आगे बढ़ के पहले उसको कबूल कर लेते हैं कि ये अच्छी फिक्र है, इसको ले लेना चाहिए। बहरहाल जो फिक्र आपके सामने पेश की गई वो मुसलसल थी, वो ये थी कि अगर इस्लाम की तारीख सही माना में लिखी जाए तो उसमें खत्मी मर्तबत का मकाम क्या होगा, खत्मी मर्तबत की जगह क्या होगी, उस्वाए रसूल का मकाम क्या होगा। यानी तारीख उमूमन निस्बत पाती है माजी से, तारीख का हमेशा ताल्लुक है गुजरे हुए जमाने से, तारीख का ताल्लुक है पास्ट से कि जो गुजर गया वो तारीख है। मगर यहां अजीब बात यह है कि जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो माजी नहीं है, वो माजी नहीं है, वो हाल भी है, इस्तकबाल भी है। तो अब तारीख को तो बहुत समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा कि शायद पूरे तारीख इस्लाम पर एक ही जात मोहित हो जाएगी, एक ही जात ग्रामी पूरी तारीख पर मोहित हो जाएगी। एक सिलसिले का नाम है मोहम्मद, आपको याद है, एक सिलसिले का नाम है। तो अब हम गुफ्तगू इस मंजिल पर पहुंचा चुके थे, आइए एक मरतबा अपनी इस आखिरी तकरीर में, जो तकरीबन कल की तकरीर से मुसलसल हो रही है और कल के लिए कुछ बुनियादें कायम करते हुए कुछ वाज़ह तौर पर बातें करें। एक बात गौर करने की कोशिश कीजिए, एक अमर पर गौर कीजिए, वो ये है कि हम अपनी जिंदगी में
उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना जो कुछ भी है हमारा, उसमें कोई वक्त ऐसा है, कोई लम्हा ऐसा है कि हम इस्लाम से अलग हो सकें? कोई लम्हा ऐसा है? अगर उस लम्हे में अलग हो जाएं तो क्या हो? हम अलग नहीं हो सकते, इस्लाम से अलग नहीं हो सकते, कोई लम्हा ऐसा नहीं है। यह और बात है कि गुनाह करें, यह और बात है कि कोताहियां हों, यह और बात है कि खामियां हों, यह और बात है कि जुर्म करें, यह और बात है कि मुल्जिम बने, लेकिन इस नीयत के साथ कि अब हम इस्लाम से अलग होकर यह काम कर रहे हैं, क्या हश्र होगा? पहले नीयत की तारीफ आपको मालूम है, नीयत की तारीफ यह है कि अमल बगैर नीयत नहीं है, कोई अमल हो बगैर नीयत नहीं। और नीयत की तारीफ फिका में यह है कि अमल के इख्तिताम तक नीयत भी साथ साथ रहे। आप समझे? यानी आपने वुजू की नीयत की किसी मंजिल पर और हाथ पर पानी डालते हुए अगर आपकी नीयत बदल गई कि अब वुजू नहीं कर रहा हूं, खत्म हो गया ना। यानी अमल के साथ साथ ता इख्तिताम अमल नीयत रहे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरा ताल्लुक एक दीन से है तो जराइम की बात और है, क्राइम्स की बात और है, गुनाह की जिंदगी और है, मगर नीयत तो बदल नहीं सकती, इस्लाम है। तो अगर इस्लाम है तो इस इस्लाम के मुताल्लिक आपको एक बात यह समझना चाहिए कि यह इस्लाम असल में नाम है रिसालत के एप्लीकेशन का, रिसालत के इतलाक का नाम। एप्लीकेशन आप समझते हैं, यानी मुंतबिक हो जाना, रिसालत का इंतबाक पाना, रिसालत का मुहित हो जाना, ये इस्लाम नाम है रिसालत के इंतबाक का। हम आजकल उस दुनिया में बसर कर रहे हैं जहां सारे उलूम अप्लाइड हैं। अप्लाइड के माना इतलाक पाकर हम उससे फायदा उठा रहे हैं, और जहां इल्म इतलाक पाता है वहां अमल की मंजिल पर आता है, जहां इतलाक पाता है अमल की मंजिल पर आता है। बिल्कुल उसी तरह इस्लाम रिसालत का इतलाक है, यानी रिसालत का एप्लीकेशन। ला इलाहा इल्लल्लाह का एप्लीकेशन यह है कि सारी कायनात में अदल ही अदल है, सारी कायनात में हम आहंगी है, एक रंगी है, वहदत है, सारी कायनात में एक शय दूसरे शय से मरबूत है, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का इतलाक। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इतलाक यह है कि हम मुसलमान हैं, थे, कयामत तक रहेंगे, और जब महशर में आएंगे तो उन्हीं का दामन पकड़ के कहेंगे कि आप जिम्मेदार हैं हमारे इस्लाम। यह है रिसालत का इतलाक। तो अब आज और कल हम इस इतलाक रिसालत पे गौर कर रहे हैं कि वो रिसालत जो अप्लाइड है वो माजी नहीं है, माजी नहीं है, मेरे लिए हाल है, मेरे बच्चों के लिए मुस्तकबल है, आने वाली नस्लों के लिए यकीनी है, इस्लाम है।
और इस तरह से उसका इतलाक हर दौर में होगा, हर दौर में होगा। इसलिए नबी अव्वल भी है, नबी आखिर भी है। और इसको तसव्वुफ न समझें, मेरे लिए भी है, मेरी औलाद के लिए भी है, मेरे बाप दादा के लिए भी था। मैं अप्लाई करके बतला रहा हूं, घबराइए नहीं, ये तसव्वुफ की तरफ नहीं ले जाता हूं। यहां वैद और रक्स की बातें नहीं है, यहां अकल की बातें हैं, यहां फिक्र की बातें हैं। यानी इसीलिए इकबाल को ये कहना पड़ा था, आप ये मुझसे सुन चुके, वो दानाए सुबोल मौलाए कुल खत्मुर रसूल, जिसने वो दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाह है इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो ये जात ग्रामी जो अव्वल और आखिर है, वो हमारे दिलों में एक मकाम रखती है, एक मकाम रखती है। और वो मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि आम तौर पर कलमा पढ़ने वाले, मुझे हैरत है कि फिक्र क्यों नहीं करते। खत्मी मर्तबत का एक मकाम है, इंसानियत का एक कमाल है, बंदगी की एक इंतहा। तो हमारे दिल में उसकी मंजिलत है, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा, मुस्लिम के दिल में है मकाम मुस्तफा, आबरूए माँ जे नाम मुस्तफा, हमारी आबरू हमारी इज्जत मुस्तफा के नाम से है। किसी को इनकार है? दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा, आबरूए माँ जे नाम मुस्तफा, बोरिया ममनून ख्वाबे राहतश, बोरिए पे सोने वाला और तख्ते किसरा जेरे पाए उम्मतश। उसकी उम्मत के लिए तख्ते किसरा है, वो खुद बोरिया पसंद था। तो हमारे लिए आबरू है, हमारी इज्जत है, हमारी तौकीर है, उस नाम से हम कलेमा तो पढ़ लेते हैं। मगर अजब रस्म है, अजब रस्म है कि कभी गौर ही नहीं किया कि कलेमा किसका पढ़ रहे हैं। आज ये फिक्र है और ये तमहीद है। कल की अख्तितामी तकरीर के लिए खुदा के लिए सोचिए कि क्या हक था, क्या हक खत्मी मर्तबत को, कुरान से क्या जवाब था। बहुत गौर से सुनिए और पूछिए, किसी से पूछना हो तो जाके, क्या हक था पैगंबर को, कुरान से क्या जवाब है, वही ने क्या इजाजत दी थी कि कलेमे में अल्लाह के साथ रसूल अपना नाम शामिल करे। वो कौन सी आयत है, वो कौन सी आयत है कि जहां ये जवाब हो कि कलमे में हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम है। कलमा पढ़ने वाले तो पढ़े चले जा रहे हैं, मगर कभी गौर भी किया? अगर अपनी तरफ से किया तो खाकम बदहन, खाकम बदहन ताली की मुबालगा किया, बंदगी के हुदूद से आगे बढ़ गए, अपने लिए एक मकाम बुलंद को पसंद किया और नाम माबूद के साथ अपने नाम को मिला दिया। अगर अपनी तरफ से किया, और अगर नहीं मालिक की मर्जी पे किया। वाह वाह वाह, क्या
मालिक की मर्जी पे किया तो अब तो कलेमा पढ़ने वालों को इल्म हो जाना चाहिए कि अगर मालिक की मर्जी यह है कि अल्लाह के साथ उसका नाम आए तो वो किस बुलंदी पर होगा, किस अजमत पे होगा, क्या उरूज होगा उसको कि जहां इस बात का वो मुस्तहक है कि एक ही सांस में आप अल्लाह के साथ रसूल का नाम लें। कभी इस अंदाज से कलेमा को गौर करें, गौर करें कि हम जो कलेमा पढ़ते हैं इसके लिए कुरान में जवाब कहां है? कुरान में है कलेमा, कुरान में है, फिर ये किसका इख्तियार है, ये किसका इख्तियार है, ये किसने हुक्म दिया? तो आपने देखा जिसको ये इख्तियार है, जिसको ये इख्तियार है कि अल्लाह के बाद अपना नाम ले, उसको ये भी इख्तियार है कि अपने नाम के बाद किसी और का नाम। यह अजीब मंजिल है, उसको इख्तियार है, उसको इख्तियार है कि उसामा को सरदार लश्कर बनाए। कमसिन बच्चा और बड़े बड़े रसाब मौजूद का नहीं, ओसामा लश्कर का सरदार है। लोगों ने कहा हुजूर हमारी सनोसाल पर हमारी उम्रों की तवालत पे गौर नहीं किया गया। कहा तुम उसके बाप के लिए भी तो यही कहते थे जब मैंने उसके बाप को सरदार बनाया था, जैद को जब मैंने सरदार बनाया उस वक्त भी तो यही गुफ्तगु थी। तो आपने देखा वो जिसके लिए जो हुक्म दे दे वहां चून उजारा नहीं है, वहां किसी का दखल नहीं है। तो ऐसी मंजिल पर हम रिसालत के इतलाक को देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हम रिसालत के इतलाक को देखना चाहते हैं तारीख इस्लाम में। तारीख इस्लाम के लिखने वाले इस मुश्किल फिक्र में कहां उलझेंगे और कहां अपने आप को आमादा कर सकेंगे कि वो रिसालत का एप्लीकेशन बतलाएं, वरना ये चीज बड़ी उनके लिए आसान थी अगर वो कतनी मर्तबत की रिसालत की वसअतों को तारीख में जगह देते तो बड़े पेचीदा मसाइल हल हो जाते, बड़े पेचीदा मसाइल हल हो जाते। तो अच्छा हमारी बहस आपको याद हो गई, वो ये कि खत्मी मर्तबत ने कलेमा पढ़ाया, कलेमा पढ़ाया और बजाहिर वही नहीं आई, और फिर ये कह के कलेमा पढ़ाया कि मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जुमला मुझसे मखसूस है, हालांकि सब मुवाहिद थे, अक्सर और बीस्तर अरबी जबान के बोलने वाले अंबिया आए औलाद इब्राहिम में, इब्राहिम इस्माइल वगैरह, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह पैगंबर से मखसूस है। तो जब इनसे मखसूस है तो कलमे का दूसरा रुकन भी इन्हीं से मखसूस है। लिया अपना नाम लिया और इस तरह से इस हुक्म को आम किया। हम सर झुका के बड़ी खामोशी से या सुबह को उठ के या रात को सोते वक्त कलेमा तो पढ़ लेते हैं, मगर कभी ये गौर नहीं किया कि जिसकी ये इज्जत होगी, जिसका ये मकाम होगा, उसकी हकीकत क्या होगी, उसकी हकीकत क्या हो।
हम अपनी तकरीरों में मुसलसल बहस कर रहे थे कि सूरह हज की आयतों में एक आयत ये भी आई और मुफस्सरीन ने उठा के ये लिख दिया कि पैगंबर सूरह नजम पढ़ रहे थे कि एक मरतबा ये आवाज भी आई कि तिलकल गरानी कुलोला इन न शफात हुन लतुरजा, कि ये बुतों की शफात भी मकबूल हो सकती है और बाद में पता चला कि यह इल्काए शैतानी है। तारीख में लिखा गया, हैरत यह है कि लिखने वालों को ये किस तरह से पसंद आया ये अम्र कि जाते कतनी मर्तबत से इस बात को मंसूब भी करें कि वही के दौरान में शैतान जबान पैगंबर पे जारी हो गया और उसने अपने कलाम को जारी किया है। इस सिलसिले में 41वां सूरा है, सूरह हामीम सजदा, और ये अजाइम कुरान में से है। हामीम सजदा 41वां सूरा है। इसमें एक आयत है, قال الذين كفروا, काफिर ये कहते हैं ला تسمعوا لهذا القرآن, जब नबी कुरान पढ़ने लगे तो न सुनो, वो अलगौ फी, जब वो कुरान पढ़ने लगे तो बकबक करो, शोर मचाओ, बातें करो, अपनी तरफ से कुछ इजाफा करो, लअल्लकुम तगलेबून, ताकि तुम गालिब हो जाओ। सैयद मुर्तजा आलमुल हुदा इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि जब सूरह नजम पैगंबर पढ़ रहे थे तो मस्जिद के दरवाजे से मुसलसल शोर हो रहा था और उस शोर में एक आवाज किसी ने बुलंद की, तिलकल गरानी कुलउला, तो दुनिया पहचान न सकी कि पैगंबर की आवाज कौन सी है और बातिल की आवाज कौन सी है। क्यों क्यों? फकत इसलिए कि वो शुबहात दिल में थे, वो शुबहात दिल में थे, वहां से वो कह रहे थे वो अलगाउफी, जब कुरान पढ़ा जाए तुम शोर मचाओ, तुम शोर मचाओ, इसलिए कि कुरान हम सुन नहीं सकते, सुनेंगे कुरान को हम रास्ता छोड़ देंगे, हट जाएंगे। ये शहर सही, जादू सही, शेर सही, कहानत सही, जो कुछ भी सही, मगर जो कुरान को सुनेगा अपने रास्ते से हट जाएगा, इसलिए इस कुरान को ना सुनो। तो वो लोग शोर मचाते थे, शोर मचाते थे, तो आयत में अपनी तरफ से रदीफ काफिये दुरुस्त करके अल्फाज बोलते थे, वो अलगाउफी, शोर मचाओ, मिला दो उसमें लअल्लकुम तगलिबून। तो सैयद मुर्तजा आलमुल हुदा ने कहा कि इस तरह से इन्होंने पीछे से आयत पढ़ी, लोगों ने कहा खत्मी मर्तबत की जबान से यह जुमला निकला। तो अब कलेमा पढ़ने वाले जाते खातम को इतना ताहिर तो जाने, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिए, इतना ताहिर तो जाने, इतना तैयब तो जाने कि उसकी जबान आलूदा हो ही नहीं सकती है किसी ऐसी चीज से जो खिलाफ मर्जी माबूद हो। देखिए यहां तक गुफ्तगू हो चुकी, अब इसके बाद हम मुख्तलिफ चीजों पर आपको आपकी फिक्र को मुतवज्जे रखेंगे, यानी उन तमाम उमूर पर जिन उमूर पर इन तकरीरों में गुफ्तगू हो चुकी है, और फिर चाहते भी ये हैं कि फिक्र का सिलसिला बाकी रहे। वो पैगंबर कि जिसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा, यही गुफ्तगू थी ना, अपनी निगरानी में रखा, बचपन निगरानी में, यतीमी निगरानी में, गुर्बत और फलाकत निगरानी में, सूरह जुहा गवाह है कि वहां आवाज आई कि हमने तुझको कभी तन्हा छोड़ा ही नहीं, मां वद्दा का रब्बो का व मां कला, तेरे रब ने कभी तुझको अकेला छोड़ा ही नहीं। और फिर ऐ हबीब, दूसरों के लिए ये नहीं कहते मगर तेरे लिए ये कहते हैं, वाला सौफा युवती का रब्बो का फतरदा, इतना तुझे अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जा।
तेरी रजा तेरी खुशी हमको मंजूर है, हम इतना तुझे अता करेंगे, इतना तुझे अता करेंगे। तो दिल बहलाया जा रहा था पैगंबर का, दिल रखने की बातें हो रही थी, या ये जान रहा था मालिक कि इसको हक पहुंचता है कि अता करें, इसको हक पहुंचता है कि अता करें और इतना अता करें कि ये राजी हो जाए। तो जिस पे इतना कंट्रोल हो, जिस पे इतना कंट्रोल हो कि उसके सामने पीछे दाहने बाएं रसद हो और गैब का इल्म दिया जाए तो मलाइका हिफाजत करें। ये सब कुरान की आयतें पढ़ चुके हैं ना, ये सूरह जिन की आयत। जिसको इस कदर निगरानी में रखे उसका मकाम कितना बुलंद होना चाहिए, कितना बुलंद होना चाहिए। वो आया किसके दरमियान, किस कौम के दरमियान आया? जाहिलों के दरमियान आया, बुत परस्तों के दरमियान आया, खुद परस्तों के दरमियान आया, अपने नफ्स की ख्वाहिश पर चलने वालों के दरमियान आया। और हाय हाय, 13 बरस की तबलीग के बाद जब मदीना आया और जब बद्र में फतह हुई और माल गनीमत आया और एक चीज पर सबकी निगाह थी, एकाएक वो नजर नहीं आई, तो लोगों ने कहा नबी ने छिपा लिया। ये कुरान है, फौरन वही आई। मा काना ले नबी ये ना यगुल, ये नबी का काम नहीं है कि नबी धोखा दे। आपने देखा ये मजबूरी, देखिए कि कितनी गिरी हुई सतह है, कितनी गिरी हुई सतह है, किस गिरी हुई सतह में आया है कि एक चीज नजर नहीं आई माल गनीमत में से, तो लोगों ने कहा नबी ने छिपा लिया। ये शाह अब्दुल कादिर मोहद्दिस देहलवी का हाशिया है, ये ताज लिमिटेड का कुरान है। माकाना ले नबी जो ना यगुल, और नबी के लिए ये नहीं है, नबी को जेब नहीं देता कि नबी धोखा दे, चोरी करे, और जो चोरी करेगा चुराई हुई शय उसके गले में लटका दी जाएगी। तो शाह अब्दुल कादिर मोहद्दिस देहलवी ने हाशिए पे लिखा है कि कयामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिनके गले में ऊंट लटका हुआ होगा, इसलिए कि ऊंट चुराए थे। कुछ लोग आएंगे जिनके गले में बकरियां लटकी हुई होंगी, बकरियां चुराए थे। तो यगुल के माना करते हुए शाह साहब ने तफसीर दी है। तो आपने देखा कि वही को मजबूर होना पड़ा इस बात पर कि उस गिरी हुई सतह को समझाए कि नबी ये काम नहीं करता, नबी ये काम नहीं करता। तो आपने देखा कि वो सतह कि जिस सतह को डराया गया, जिस सतह को समझाया गया, जिस सतह को बतलाया गया कि नबी ये काम नहीं करता, कयामत है अगर वो सतह अब तक बाकी रहे। कयामत है अगर वो सतह अब तक बाकी रहे, कयामत है अगर वो फिक्र अब तक बाकी रहे कि नबी ने अपने फायदे के लिए किया था, नबी ने अपनी मोहब्बत के लिए किया था, नबी ने अपनी अकरबा परवरी के लिए किया था, नबी ने अपनी अकरबा नवाजी के लिए किया था। कयामत है अगर वो सतह अभी तक बाकी रहे, इसलिए कि ये इस्लाम नहीं है, ये जाहिलियत है। يظنون بالله ظن الجاهليه, अल्लाह पर जाहिलियत का गुमान करते हैं। यकूलून हल लना मिन अल अम्र मिन शाई, रसूल तुझसे कहते हैं क्यों आपके हुक्म में हमारा दखल नहीं है, हम दखल ना दें। रसूल कह दो ये जाहिलियत है, हुक्म फकत आपका है, किसी और का दखल हो जाए तो जाहिलियत है। जाहिलियत ये हल लना मिन अल अम्र मिन शाई, कुल इन अल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, कह दो अम्र अल्लाह के लिए है, किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। बात इतनी सी थी,
आपको याद है मैंने कभी कहा है, बात इतनी सीधी कि पैगंबर ने कहा कि देखो ये ओहद की घाटी है, यहां किसी हालत में इस घाटी से न हटो, यहां खड़े। कुफार ने हमला किया, बहादुरों ने कुफार के हमले को पसपा किया, कुफार भागे। घाटी की निगरानी जिनके पास थी वो ये समझे कि अगर भागने वालों पर हमला करेंगे तो माल गनीमत ज्यादा मिलेगा, चुनाचे जगह छोड़ दी, जगह छोड़ दी, और इस्लाम का वो दर्दनाक वाकया पेश आया कि जिसमें हजरत हमजा शहीद कर दिए गए। और पैगंबर ने कहा कि इतने आदमी तुम्हारे मारे गए, इतने आदमी मारे गए फकत इस वास्ते कि तुमने जगह छोड़ दी थी। तो अब रसूल से यह कहा गया कि आपने समझा के क्यों नहीं कहा कि अगर तुम माले गनीमत के पीछे जाओगे तो ये यूं हमला करेंगे, हमको भी तो आप अपनी कारोबार में दखल देने दीजिए, हमको भी तो समझाइए, हमको भी तो अमर में हिस्सा दीजिए। इरशाद में ऐसा नहीं है, अमर अल्लाह के लिए जो कहा जाए मानो, तफसील न पूछो, जो कहा जाए मानो। यज़ुन्नून बिल्लाहि ज़न्नल जाहिलिया, अल्लाह पर जाहिलियत का गुमान करते हैं। यकूलून हल लना मिन अल अम्र मिन शय, कहते हैं क्या हमारा दखल नहीं है आपके अम्र में। कह दो ऐ रसूल कि अम्र अल्लाह के लिए, अम्र अल्लाह के लिए। तो आपने देखा कि जहां सतह इतनी गिरी हो और ऐसे में वो नबी आया हो, ऐसे में वो नबी आया हो जो पूरी तरह से जाते वाजिब में कंट्रोल, जाते वाजिब के कंट्रोल में आकर फिर ये कहे हाँ वही सबीली, ये रास्ता मेरा है। बहुत गौर से सुनिए, मैं बहुत सी चीजों को समझा रहा हूं। हाउ नहीं सबीली अदू इल्लाह, ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। तो कब कहा, कब कहा? जब इस्लाम को दुनिया की निगाहों में पेश कर रहे थे, जब कहा ये मेरा रास्ता, मेरा रास्ता है, मैं बुला रहा हूं। और ये रास्ता कब तक रहेगा? सूरह फुरकान, सूरह फुरकान, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैय यकूल या लैतनी तख़स्तु मअ रसूल सबीला। जालिम अपने हाथों को काट खाएगा और कहेगा काश मैं रसूल के रास्ते पे चलता। देखा आपने, सबील रसूल महशर तक है। हाँ ही सबीली जो कहा वो महशर तक है। तारीख इस्लाम मोहित है, मोहित है, इस सबील के साथ साथ उसको चलना है। और तारीख इस्लाम पर सबील रसूल मोहित है कि हाज ही सबीली अदू इल्लाह। और कयामत में ये कहा यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैय यकूल या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, ए काश मैं रसूल के बतलाए हुए रास्ते पर चलता, रसूल के अल्लाह के रास्ते पे नहीं, रसूल के रास्ते पर चलता। वो या वैलताओ लैतनी लमत्तकिस फुलानन खलीला, ए काश मैं फुला को अपना दोस्त न बनाता। वो कद अज़ल्लनी यानी जिक्र बाद इस जानी व कौन शैतानु लिल इंसानी खजूला, उसने मुझे बहका दिया जब वो मेरे पास आया, जिक्र से मुझे हटा दिया। ये शैतान था और शैतान इसी तरह से इंसान को रुसवा करता है। तो आपने देखा, अंदाजा किया आपने कि सबील रसूल मोहित है यहां से लेके महशर तक। और फिर आज भी इतलाक रिसालत यह बतला रहा है कि उस जाहिलियत को देखकर अब तो अपने ईमान को पुख्ता करो, अब तो अपने ईमान को पुख्ता करो, अब तो समझने की कोशिश करो कि रसूल का मकाम क्या है। सूरह हुजरात कलाम मजीद का 49वां सूरह है। ऐसा है बाने ईमान
या अय्युह लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो। देखिए किस दौर में नबी आया है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, खबरदार नबी की आवाज से अपनी आवाज को बातों में बुलंद न करना। किसको समझाया जा रहा है, ये किस उम्मत से किताब है, ये कैसा दौर है जिसमें नबी आया है। वला तजहरू लहू बिलकौल का जहरे बाजे कोमले बाजिन, और पुकार के डरा के धमका के ऐसी बातें न करो जैसे एक दोस्त दोस्त से बातें करता है। अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारा अमल हत हो जाएगा। वह अंतुम ला तशुरून, तुमको पता भी नहीं चलेगा। नमाजें गायब, रोजे गायब, हज गायब, की हुई नेकियां गायब, से अमल है। चाहे को मुसीबत में पड़ते हो, ये नमाजें रायगा जाएंगी, ये हज रायगा जाएंगे, ये सारी मेहनत जो कर रहे हो बेकार हो जाएगी। ये आवाज रसूल की आवाज से बुलंद हुई जा रही है। आवाज से आवाज, तुम्हारी आवाज आवाज रसूल से बुलंद हो रही है, बुलंद हो रही है। वो किसी तरह से हो, मैं एक हिदायत के तौर पे नहीं, मारूजे के तौर पे गुफ्तगू कर रहा हूं कि जरा घर जाके सोचें किस किस की आवाज रसूल की आवाज से बुलंद हो रही है। कहां कहां किस किस की आवाज रसूल की आवाज से बुलंद हो रही है, घर जाके सोचें। यानी लाओ तजहरू लहू बिलकौल का जहरे बाज़कुम लबाज़िन, इस तरह से पुकार के और डांट के और गुस्से में आके बातें न करो जैसा तुम्हारे बास दोस्त अपने दोस्तों से बातें करते हैं। अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारा अमल हब्त हो जाएगा। ये नबी है, इसकी आवाज हमारी आवाज, इसकी गुफ्तगू हमारी गुफ्तगू, इसका कलाम हमारा कलाम, इसकी बातें हमारी बातें। तुमने अभी पहचाना ही नहीं, तुमने नबी को नहीं पहचाना। अजीब मंजिल है कि इस मकाम पे याद आ गए गालिब, अजीब अंदाज में सरकारे खत्मी मर्तबत की तारीफ की और कहा तीरे कजा हर आईना दर तरकश हक। कजा का तीर अगरचे हक के तरकश में है, तरकश मालूम है जिसमें तीर डालते हैं, तीर रखते हैं, तरकश। तीरे कजा हर आईना दर तरकश हकस, कजा का तीर हक के तरकश में। अम्मा कुशादे उनसे कमाने मोहम्मद, मगर ये चलता है कमाने मोहम्मद से, कजा का तीर है। तो आपने देखा कि ये वो मंजिल है तीर कजा हर आईना दर तरकश हकस। अम्मा कुशादे उन जे कमाने मोहम्मद गालिब, सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ता गालिब। मैं क्या तारीफ करूं मेरे मालिक की, इसलिए मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया। अब तू तारीफ कर, अब तू तारीफ कर, मैं तारीफ नहीं कर सकता, इसलिए उन जात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद, उसको मालूम है पैगंबर का मर्तबा क्या है। मुझे क्या मालूम है, सिर्फ कलेमा पढ़ने से मर्तबा नहीं मालूम होता पैगंबर का, सिर्फ कलेमा पढ़ लेने से मोहम्मद समझ में नहीं आते। तो ये वो मंजिल थी कि जहां इन हकायक को और इन मतालिब को समझने की कोशिश इसलिए लाजिम है कि अगर वाकई हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और कलेमा गो कहते हैं तो रिसालत का इतलाक भी तो समझें, रिसालत का इतलाक भी तो समझें। और अगर रिसालत का इतलाक समझ में आए तो गुफ्तगू कल जो होगी वो होगी, वो आज की बातें इतनी कि कम अज कम वो किताबें जिन्होंने पैगंबर के उसवे को महफूज किया, जिन्होंने पैगंबर के तरीके अमल को महफूज किया, उन किताबों पे तो नजर रहे, सही मुस्लिम पे नजर रहे, सही। मरने से पहले कामिल 6 महीने ऐसे गुजरे
कि सुबह होती तो मस्जिद जाते हुए नमाज से पहले बेटी के घर पे आते, आए तथीर की तिलावत करते और कहते अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, सलाम हो तुम पर आए नबुव्वत के घर के अहल, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अनकुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तथीरा। और उसके बाद मस्जिद को जाते कामिल छह महीने सही मुस्लिम में। कम अज कम इसको तो तारीख नोट करे, इसको तो तारीख महफूज करे कि यह किसके घर पे जाके सलाम हो रहा है। आपने देखा, अगर है वाकई तस्लीम की आदत तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि जिस घर पर सलाम कर रहे थे उस घर पे आज तक सलाम है, उस घर वालों पे आज तक सलाम है। और अगर उस सलाम से किसी को इनकार हो जाए तो गोया वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है रसूल की आवाज, वो अपनी आवाज को ऊंचा करना चाहता है रसूल की आवाज से। ये है, मैं चाहता हूं कोई और किताबें नहीं, मैं नहीं ये नहीं कहा कि काफी को पढ़िए, मल्ला यहजुर को पढ़िए, तहजीब को देखिए, इस्तफसार को देखिए, नहीं, सहाय सित्ता में जो बातें लिख दी गई हैं उसी पर कोई अमल करे, उसी पर कोई अमल करे और ये देखे कि देखो अल्लाह ने इस तरह से इनको पेश किया, इस तरह से इनको पेश किया। अल्लाह अकबर, दुनिया दुनिया ने बड़ी वजाहत के साथ कहा, बड़ी वजाहत के साथ मुफस्सरीन ने बड़ी वजाहत के साथ लिखा, मौलाना शेखुल इस्लाम अशरफ अली थानवी ने अपने तर्जमे कुरान के हाशिए पर बाज़ाब्ता तफसील दी आए मुबाहला की, मगर सादिक ने अभी वक्कास ने जो वाकया बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने देखा आए अमीर शाम तू मुझसे यह पूछता है कि मैं अली को बुरा क्यों नहीं कहता, मैंने देखा जिस दिन मुबाहले की आयत नाजिल हुई है उस दिन रसूल अली और फातिमा हसन हुसैन को बाहर लाए और आसमान की तरफ हाथ को उठाकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती, परवरदिगार ये मेरे घर के अहल है। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती। तो अब आपने देखा अहले बैत रसूल रसूल से अलग नहीं है, इसलिए अगर मजलिसों में बाद जिक्र रसूल कुछ वक्त अहले बैत रसूल के लिए भी सर्फ हो तो तबीयत पे बार न गुजरे, गरानी न हो, बल्कि मोहब्बत से सुनने की कोशिश करो, मोहब्बत से सुनने की कोशिश करो, इसलिए कि यही वो जिक्र है, यही वो जिक्र है कि जहां इंसान दर्द से मानूस होता है, ये दुनिया बड़ी बेदर्द दुनिया है, दर्द मिले तो कदर करो, खलिशे दिल की कदर करना था ये कहीं बार बार होती है, खलिशे दिल की कदर करना था ये कहीं बार बार होती है। दर्द अगर कहीं नजर आए तो गनीमत जानो, गनीमत जानो, इसलिए कि दुनिया में वो दर्द शाद और नादिर मिलेगा कि जिसमें इतनी बका, इतना दवाम, इतना क्याम, इतना हमगीर हो जाना हो, कहीं और दर्द नहीं मिलेगा, कोई और दर्द नहीं मिलेगा। और यही वो मंजिल है, यही वो मंजिल है कि जहां कभी कभी हैरत से, हैरत से हम इस दर्द को देखते हैं। दुनिया गुज़िश्तनी व गुज़ाश्तनी है। हमेशा दुआ करता हूं कि गम अहले बैत के मनाने वाले या गम अहले बैत को दोस्त रखने वाले, गम अहले बैत से उन्स रखने वाले, ख्वाह वो हनफी हों, शाफी हों, मालिकी हों, हम्बली हों, वो किसी फिकह से मुताल्लिक हो, लेकिन अगर गम अहले बैत उनको पसंद है तो अल्लाह उनको भी हर गम से दूर रखे, इसलिए कि ये गम इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तहारत की तरफ लाता है, पाकी की तरफ लाता है, तीब विलादत की तरफ लाता है।
ये गम नजासतों से दूर करता है, ये गम बुलंद करता जाता है। अभी आपने मरसिए में एक नन्ही सी शहजादी का हाल सुना, मैं इख्तिताम तकरीर पर दो चार जुमले आज और फिर तफसील से कल अर्ज करूं, इसका ज्यादा वक्त नहीं। लेकिन एक बात वो ये कि बाद-ए-करबला तीन हस्तियां ऐसी हैं कि जिन नामों से ये दर्द बाकी रह गया। एक ज़ैनब, दूसरे ज़ैनुल आबिदीन और तीसरे बीबी सकीना। वो सकीना जिनका सिन तीन या चार बरस के दरमियान है, वो सकीना जो कभी बाप के सीने पर सोती थी, वो सकीना जिसको चचा बहुत चाहते थे, वो सकीना जिसको अली अकबर बहुत प्यार करते थे, वो सकीना जो हुसैन के आंख का चैन और दिल का सुरूर थी, उस सकीना बीबी पे एक वक्त आया कि जब भरे हुए दरबार में उसने कहा, यजीद तेरी इजाजत है कि मैं बाप के सर को उठा लूं, बाप के सर को उठा लूं। तो उसने बिगड़ के कहा, सकीना तुम्हारे बाप तो इमामत का दावा करते थे, इमामत का दावा करते थे ना, कहो कि वो आ जाए, मौजिजे से आ जाए। तो पहले भी कह चुका हूं, फिर सुनो कि एक मर्तबा उस बच्ची को मालूम नहीं क्या जलाल आया, अपने फटे हुए कुर्ते के दामन को फैलाया, कि आ जाओ बाबा मेरी गोद में आ जाओ। सरे हुसैन बुलंद हुआ और बच्ची बाप से लिपट गई। خداوند ہم کو کامل امام، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلاؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم، تعجیل فرماؤ۔